हमारे साथ मौजूद है भाजुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य, इनसे जानते हैं। सर, आज आप आए थे युवाओं के सम्मेलन में, शामिल हुए, क्या कुछ खास रहा, क्या टिप्स दिए आपने युवाओं को? मैं युवाओं के बीच में आज विशेष रूप से अपने मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच में कार्यक्रम हम किए थे और अत्यंत उत्साह के साथ यहाँ के कार्यकर्ता इस चुनाव को हम देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं में आक्रोश भी है और परिवर्तन के लिए उम्मीद भी है। जिस प्रकार से प्रदेश में पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार हुई है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। 360 डिग्री भ्रष्टाचार यहां हुई है, रेत से लेकर शराब तक, एम्प्लॉयमेंट से लेकर एजुकेशन तक, पीडीएस सिस्टम से लेकर ड्रग माफिया तक, हर प्रकार से प्रदेश में युवाओं को नुकसान झेलने का, नुकसान पहुंचाने का काम यहां प्रदेश में हुआ है। और इस कुशासन का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट, वो प्रदेश के युवा झेल रहे हैं। सो प्रदेश के युवाओं में आक्रोश भी है और परिवर्तन के लिए उम्मीद भी है। और मैं विश्वास के साथ आज के कार्यक्रम के बाद मैं कह सकता हूं कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कुछ ही देर में परिवर्तन ले आने का काम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री करेंगे। पीएससी का मामला आपने पहले भी उठाया था, आंदोलन में यहाँ पे आए थे, लगातार वो मुद्दा उछल रहा है, क्या युवाओं को न्याय मिल पाएगा? लगातार बेरोजगारी की बात भी सामने बिल्कुल बेरोजगारी के आंकड़ा आप नेशनल एवरेज को देखेंगे और कांग्रेस शासित आप हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कंपेरिजन किए तो आपको पता चलता है कि इन तीनों कांग्रेस शासित प्रदेशों में नेशनल एवरेज के कंपेरिजन में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। दूसरी बात, सीजीपीएससी में जिस प्रकार के अन्याय हुए हैं रिक्रूटमेंट में, ये अत्यंत गंभीर है और कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी इसको कॉग्निजेंस लेकर रिक्रूटमेंट को स्टे किए हैं। मैं मानता हूं ये जो स्टे है, ये प्रदेश के हर आम युवा का, प्रत्येक आम युवा का एक जीत है और युवा मोर्चा का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है और जीत है। और जब अपनी सरकार आएगी 2-3 महीने में, हमने विश्वास दिए थे और मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं, हम निष्पक्षपात से इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, सीबीआई जांच करवाएंगे, एक ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी हम लेकर आएंगे और जिन जिन लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस रिक्रूटमेंट स्कैम में इन्वॉल्व है, सबको चुन चुन कर हम अंदर करेंगे। टिकट वितरण हो चुका है, भाजपा ने 85 उम्मीदवारों का सूची जारी किया है। भाजपा में कुछ कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उनको तवज्जो नहीं दिया गया है। ऐसा नहीं है, 3-4 अपने कार्यकर्ता जो युवा मोर्चा में पहले काम किए थे, ऐसे कार्यकर्ताओं को चुनाव में कंटेस्ट करने के लिए मौका मिला है। चुनाव से पहले अपेक्षा रखना एक सहज पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, पर युवा मोर्चा एक अत्यंत डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एक कल्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें डिसीशन एक बार होने के बाद व्यक्ति जो कैंडिडेट होते, प्रत्याशी जो कैंडिडेट होते, वो नगण्य हो जाता है। हम कमल के फूल देखकर, पार्टी के विचार देखकर, मोदी जी के काम देखकर हम काम करते हैं जी। आप कर्नाटक की बात बार बार कह रहे हैं, डबल इंजन सरकार की बात बोल रहे थे, लेकिन वहां तो कांग्रेस की सरकार बन गई, कहीं ना कहीं नकार दिया भाजपा को, फिर छत्तीसगढ़ में कैसे मौका देगी जनता? कर्नाटक की स्थिति अलग था, यहां की स्थिति अलग था, अलग है। और प्रदेश में, मतलब छत्तीसगढ़ में पैसा लूट लूट कर कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में करोड़ों करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए कर्नाटका में उन्होंने बांटे थे। छत्तीसगढ़ के पैसा, छत्तीसगढ़ के युवाओं के पैसा, छत्तीसगढ़ के संसाधन को लूट कर कांग्रेस पार्टी आज अपने राजनीति चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ के युवा ये भले भांति जानते हैं और चुनाव में इसको बहुत तीक्ष्ण रूप से उत्तर देंगे। चुनाव करीब है, भाजयुमो किस तरीके से इसको देखता है, कैसे उतरेंगे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे भाजपा का प्रचार? आज मंडल के अध्यक्ष, मंडल स्तर के महासचिव सब इस कार्यक्रम में आज उपस्थित थे। संभाग लेवल पे क्या काम करने हैं, बूथ लेवल पे क्या काम करने हैं, विधानसभा स्तर पे किस प्रकार के आउटरीच कार्यक्रम करना है, सोशल मीडिया में क्या करना है, इन सभी चीजों को हम डिस्कस किए हैं। आने वाले दिन में मोदी जी का सुशासन और भूपेश जी के नेतृत्व में सरकार के 5 साल के कुशासन, ये कंपैरिजन को प्रदेश के हर युवा तक पहुंचाने का, हर नव मतदाताओं को
ले आकर उनको वोट रजिस्ट्रेशन करने का काम हम करेंगे। ये थे तेजस्वी सूर्या जिन्होंने भाजुमो की रणनीति के बारे में बताया। कैमरामैन मनीष के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर।